कनिष्क प्रथम ने सुवर्ण और ताम्र मुद्राएं चलवाईं। उसने रजत मुद्राओं का निर्माण नहीं कराया था। विम कैटफिसिस की तुलना में कनिष्क प्रथम ने अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं चलवाईं। कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर केवल यूनानी लिपि और यूनानी भाषा और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। कनिष्क की मुद्राओं पर हिंदू और बौद्ध देवताओं के अतिरिक्त यूनानी और पारसीक देवताओं का अंकन अत्यंत रोचक बन पड़ा है। एलन का मत है कि कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं रोमन प्रभाव से प्रेरित हैं। कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर पूर्व भाग पर राजा की आकृति इस प्रकार है। खड़ी मुद्रा में राजा लंबा कोट, पायजामा, ऊंची टोपी, केशबंध धारण किए हुए दाहिने हाथ से वेदिका में आहुति के रूप में अंकुश डालता हुआ प्रदर्शित है। पूर्व भाग पर ही यूनानी लिपि और यूनानी भाषा में लेख अंकित है। यह लेख है बेसिलियस बेसिलियान कनिष्काऊ। जबकि स्वर्ण मुद्राओं पर ईरानी उपाधि सहित यूनानी लिपि में और शक भाषा में लेख अंकित है और यह लेख है शाओ नानो शाओ कनिष्की कोशानो। कनिष्क की मुद्राओं का पृष्ठभाग विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। मुद्राओं के पृष्ठभाग पर एशिया के विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां हैं। इनमें ईरानी यूनानी भारतीय देवी देवताओं के अतिरिक्त अन्य आकृतियां भी हैं। सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि कनिष्क प्रथम के विशाल साम्राज्य में मुद्रा निर्माण के अनेक टकसाल थे। ये टकसाल विभिन्न धार्मिक परंपराओं के क्षेत्रों में स्थित थे। इसी कारण विभिन्न टकसालों में निर्मित मुद्राओं के पृष्ठभाग पर उस क्षेत्र विशेष के धार्मिक परंपराओं से संबंधित देवी देवताओं को स्थान दिया गया था। रैप्सन का मत है कि कनिष्क का साम्राज्य काफी विस्तृत था। उसकी मुद्राएं मध्य एशिया से लेकर वाराणसी तक के क्षेत्र से मिली हैं। इतने विशाल साम्राज्य में काफ़ी संख्या में टकसाल रहे होंगे। जिस क्षेत्र के टकसाल में जिन मुद्राओं का निर्माण होता था उन मुद्राओं के पृष्ठभाग पर उस क्षेत्र के संरक्षक देवी देवताओं का अंकन किया जाता था। रोजनफील्ड के अनुसार प्राचीन काल में मुद्राएं केवल आर्थिक गतिविधियों का संचालन ही नहीं करती थीं, बल्कि राजा और राजा के व्यक्तित्व की उद्वाहक भी थीं। मुद्रा के पूर्व भाग पर राजा के प्रभावशाली व्यक्तित्व का अंकन और पृष्ठभाग पर उसकी शक्ति के स्रोत के रूप में अंकित देव आकृतियां राजा के दैवी समर्थन को अभिव्यक्त करती हैं।
कनिष्क प्रथम के जिन मुद्राओं के पूर्व भाग पर बेसिलियस बेसिलियान कनिष्काऊ लेख अंकित है, उनके पृष्ठ भाग पर निम्नलिखित देवताओं का अंकन प्राप्त होता है, जैसे हेलियोस यूनानी सूर्य देवता, सेलेने यूनानी चंद्र देवता, माओ, हेफेस्टास आदि। लेकिन जिन मुद्राओं के पूर्व भाग पर शाओ नानो शाओ कुशानो कनिष्की लेख अंकित है, उसके पृष्ठ भाग पर जिन देवताओं की आकृतियों का अंकन मिलता है वे हैं अथशो अर्थात ईरानी अग्नि देवता, अर्दोक्षो अर्थात ईरानी समृद्धि की देवी, मिहिर अर्थात ईरानी सूर्य देवता, ओडो अर्थात ईरानी वायुदेव, नाना अर्थात ईरानी इष्टर, ओयशो अर्थात भारतीय उमेश, मज्द अर्थात ईरानी जरथुष्ट देवता। भारतीय देवताओं से संबंधित नए अंकन के रूप में भगवान बुद्ध को बोडो के नाम से अपनी मुद्राओं पर कनिष्क ने स्थान दिया था। कनिष्क के स्वर्ण मुद्राएं रोमन प्रभाव से प्रेरित हैं। कनिष्क के मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर मोनोग्राम चिन्ह अंकित मिलता है। मार्शल ने भी कहा है कि ऑगस्टस से लेकर नीरो तक की शाही स्वर्ण मुद्राओं का कोई संबंध विम कैटफिसिस और उसके उत्तराधिकारियों की स्वर्ण मुद्राओं के साथ अवश्य था।